हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, राइट। तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता क्या है? तो कुछ नहीं है, एक तरह का कन्वर्जन है, ठीक है। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज डील करते हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है या तो प्रोडक्ट फॉर्म में या एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में अपन लोग क्या करेंगे, या प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन या एडिशन सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। और इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में जो एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो ए बी, ए प्लस बी बोलो या ए माइनस बी बोलो या बी माइनस ए, तो ये अपन फर्स्ट एंगल होगा, ये सेकेंड एंगल होगा, ठीक है। ये सम बोलोगे, इसको सम एंगल बोलोगे, इसको आप डिफरेंस बोलोगे, और ये माइनस ऑफ द डिफरेंस बोलोगे, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे कि आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, और इस पर प्रॉब्लम्स भी जो बनते हैं ना, मतलब ये इसी से, प्रोडक्ट फॉर्म में रहा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, या एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो प्रोडक्ट फॉर्म में, या दोनों का मिक्सचर प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला होने वाला है। जैसे आप प्रोडक्ट से ले जाओ आप एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा कर सकते हो, टू टाइम्स साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ द सेकेंड एंगल, ऐसा टू टाइम्स कॉस ऑफ द फर्स्ट एंगल और साइन ऑफ द सेकेंड एंगल, या टू टाइम्स कॉस ऑफ द फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ द सेकेंड एंगल, या टू टाइम्स साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल और साइन ऑफ द सेकेंड एंगल, ठीक है बच्चों। तो अब इसको तुम लोग किसके फॉर्म में लाओगे, सम और डिफरेंस के फॉर्म में। तो ये जो होगा आपको साइन सम हो जाएगा प्लस साइन आपका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द एंगल ए प्लस बी हो जाएगा, और जैसा उसके बाद इसमें टू कॉस फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा साइन सम, साइन सम हो जाएगा और माइनस साइन आपका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका कॉस सम हो गया एंड प्लस कॉस आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इसमें कॉस ये डिफरेंस हो रहा है एंड माइनस कॉस ऑफ द सम, ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसमें फर्स्ट सेकेंड से सम और डिफरेंस फॉर्म में। उसी तरीके से अब जो इसका रिवर्स वाली बात, ठीक है ना, ये सब टेबल्स मिल जाएंगे आपको, इट इज़ नॉट अ बिग मैटर हेयर। अब इसमें देखना है, बस मेथोडोलॉजी में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया, उसी तरीके से देखो आप ले लो एडिशन सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट। अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन से कहाँ पर जाओगे, प्रोडक्ट में जाओगे, ठीक है। तो इसमें आप ले लो जैसे कि साइन फर्स्ट एंड प्लस साइन सेकंड, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, साइन फर्स्ट माइनस साइन सेकंड, ये कॉस फर्स्ट प्लस कॉस सेकंड एंड कॉस फर्स्ट माइनस कॉस सेकंड, ठीक है। तो अब इसका हम लोग को ये फर्स्ट सेकेंड के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको हम लोग को ये सम और डिफरेंस के फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये जो हो जाएगा आपका टू टाइम्स साइन ऑफ क्या हो जाएगा, सम बाई टू, सम बाई टू एंड कॉस ऑफ डिफरेंस बाई टू, ठीक है। ये साइन फर्स्ट माइनस, तो ये होगा टू टाइम्स कॉस ऑफ सम बाई टू एंड साइन, ये होगा डिफरेंस बाई टू, एंड ये होगा टू टाइम्स कॉस ऑफ सम बाई टू एंड कॉस ऑफ डिफरेंस बाई टू। सम का मतलब कितना, ए प्लस बी, ठीक है। और ये लास्ट में ध्यान देना है, ये भी थोड़ा टू साइन, टू साइन सम बाई टू एंड साइन माइनस ऑफ डिफरेंस बाई टू, माइनस ऑफ डिफरेंस बाई टू। तो ये लिस्टिंग जरा आप ध्यान देना, ठीक है ना, मेनली ये लास्ट वाली, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, माइनस डिफरेंस बाई टू का मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए बाई टू, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। एक मैं प्रॉब्लम कनेक्ट करता हूँ तो थोड़ा मैं आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अपन करते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम्स जैसा लेते हैं हम लोग, एक देखिए इसमें दिया है साइन थीटा बाई टू और साइन साइन सेवन थीटा बाई टू प्लस साइन थ्री थीटा बाई टू एंड साइन इलेवन थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन टू थीटा साइन
टू थीटा साइन फाइव थीटा, ये प्रूव डैट प्रॉब्लम है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप देखो, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों ऐसे देखें, अलग अलग देखें, अगर ओवरऑल देखें तो ये सम और एडिशन फॉर्म है, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा जो हमने फॉर्मूला लिस्टिंग किया उसके फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू एल एच एस, तो 2 इंटू 1 बाई 2 साइन 7 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 इंटू हाफ साइन 11 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब ये हमारा 1 बाई 2 तो आपका ओवरऑल आपका हो गया, ये 1 बाई 2 कॉमन हो गया। अब ये हमारा आ गया 2 साइन 7 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन 11 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है उसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली लास्ट वाला फॉर्मूला जो पहला वाला लिस्टिंग मैंने किया था, तो ये होगा आपका कॉस, ये डिफरेंस और माइनस कॉस सम, ठीक है। उसी तरीके से ये भी वही हो जाएगा, कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम, ठीक है। और तो इसमें वन बाई टू डिफरेंस हो गया आपका सेवन थीटा और थीटा का डिफरेंस, सेवन थीटा बाई टू थ्री थीटा, तो सेवन थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो सिक्स थीटा बाई, तो कॉस थ्री थीटा, ठीक है, माइनस इसका ऐड, तो सेवन थीटा बाई टू थीटा बाई टू, तो इसका सम करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, कॉस फोर थीटा, ठीक है। प्लस ये डिफरेंस, तो इलेवन थ्री, इलेवन थ्री एट, तो कॉस फोर थीटा और माइनस सम 11 3, तो cos 7 थीटा, तो ये हमारा cos 4 थीटा कैंसिल हो रहा है। तो फिर आ गया हमारा ये cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा, तो 1 बाई टू। अब इसको हमको फिर किस में लाना है, ये हमको ले जाना है प्रोडक्ट फॉर्म में, किस में ले जाना है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है, ये आपको लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, तो 2 साइन सम बाई 2 एंड साइन, याद रहे, माइनस डिफरेंस बाई 2, ठीक है। तो 1 बाई 2, तो ये तो 2 2 गया, और सम बाई 2, तो 3 थीटा 7 थीटा, तो साइन कितना हो गया 5 थीटा, और इनटू माइनस डिफरेंस, मतलब 7 थीटा में से 3 थीटा गया तो 4 थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो अपना आंसर साइन 2 थीटा साइन 5 थीटा। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।